वहीं भोपाल में मालती राय ने मतदान किया है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं मालती राय, जिन्होंने मतदान कर दिया और उन्होंने इसी दौरान एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भोपाल निगम में बीजेपी का झंडा ही लहराएगा, सभी मुद्दों को लेकर 17 तारीख के बाद बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख यानी कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मालती राय, वो वोट डालने आई हैं और वो वोट डाल भी चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने वोट डाल चुका है, एक बार पहले जनता को दिखा दीजिए क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे क्योंकि आप लोगों ने तो अच्छा खासा प्रचार किया? वोट डालने की आज अपील करूंगी, जनता से अपील करूंगी कि आज भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशियों को और महापौर प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजयी करें और 86 लोगों को भोपाल की जनता की सेवा करने का अवसर। जनता काफी उम्मीद के साथ वोट, महंगाई के मुद्दे हैं, सड़क पानी सीवेज सबके मुद्दे हैं। जो भी मुद्दे हैं जनता के वो अपन 17 तारीख को पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भोपाल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है? बिल्कुल लहराएगा। देखिए यहाँ पर हमारे साथ मालती राय मौजूद थी और उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है और उनका यही कहना है कि सभी मुद्दों को लेकर वो 17 तारीख के बाद बातचीत करेंगे और भोपाल नगर निगम में उन्होंने दावा यहाँ पर किया है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृता आशीष जोशी, न्यूज 24 भोपाल।